मैं हमेशा दवा बताता रहता हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि कच्ची मेहंदी ले लो, लौंग का थोड़ा तेल ले लो, कच्ची हल्दी ले लो, और ये सब पीस के पत्थर पे इसमें थोड़ा सिंदूर मिला लो, और शरीर में जहां पर भी ये दाग धब्बे आ जाते हैं, खुजली बुजली सी रहती है, फंगस वगैरह रहता है, और ये जो मैं बता रहा हूं ये सफेद जो रोग आ जाता है शरीर पे, दाग आ जाते हैं सफेद सफेद, अगर ये शुरुआत के दाग हैं और ये लगा लिया गया तो शरीर निर्मल स्वस्थ हो जाता है, दाग धब्बे कोढ़ जो होता है वो खत्म हो जाता है। पर ये प्रोग्राम शुरू में करना है, ज्यादा फैलने पर नहीं। तो आज माता ने लाला के शरीर पर देखा कि छोटे छोटे निशान पड़ गए हैं, तो फिर भगवान के ऊपर भी सिंदूर का लेप किया गया उनके शरीर की स्वस्थता और सुंदरता के लिए। तो हम सबको भी स्वस्थ रहने के लिए शरीर के ऊपर कभी कभी हल्दी का लेप करना चाहिए, कभी चंदन का लेप करना चाहिए, कभी सिंदूर का लेप करना चाहिए, कभी तेल तिल का लेप करना चाहिए, और कभी कभी सूंधी हुई मिट्टी का भी लेप करना चाहिए। और फिर कमाल देखो शरीर का, खाज खुजली दाद धब्बे फंगस खंगस ये सारे चमड़ी के जो बीमारियां अंदर हो जाती पसीने से, उससे तुम्हें हमेशा ही निजात मिलेगा। और ये झुर्रियां बुर्रियां हो जाती हैं चमड़ी में बुढ़ापा, वो भी सब सही रहता है। और दूसरा वायरस, बाहर से लगने वाला जो रोग है वो भी खत्म होता है, बहुत सुंदरता मिलती है। कभी कभी ये सब करते रहना चाहिए, इनका लेप करते रहना चाहिए। आप जब किसी बड़े सेंटर में जाते हैं तो वहां पर यही करते हैं सब, आज ये लेप होगा फिर लेप कर लो, फिर सुखाओ, लेप जब तड़कने लगता है खिंचने लगता है तो फिर उसको भाप देते हैं, गर्म पानी से सेकते हैं, धोते हैं, आदमी को बड़ा फ्रेश लगता है, आदमी के दर्द कम हो जाते हैं, आदमी के हाथ पैर चलने लगते हैं। तो जो काम हम केंद्र में मेडिकल में जाकर करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा, वह हम घर पर भी करते रहें तो बहुत उत्तम होगा।